मुल्तानी फेमिना जहां फैशन वहां, एक ही छत के नीचे विशाल शोरूम, वो सभी ब्रांड जो आपको देते हैं खास पहचान। आबुलेन मेरठ। लखीमपुर खीरी की घटना के बाद प्रदेश के तमाम हिस्सों के साथ ही मेरठ में भी विरोध प्रदर्शन हुए। मेरठ की विशेष बात यह रही कि सपा के प्रदर्शन के दौरान पुतला फूंकते हुए कुछ पुलिसकर्मी भी पेट्रोल गिरने से झुलस गए। इसे लेकर एएसपी सूरज राय की सपा नेता अतुल प्रधान व पूर्व विधायक योगेश वर्मा से बहस भी हुई थी। 18 कार्यकर्ताओं के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। इससे पहले वह वीडियो जिसमें एएसपी सूरज राय की सपा नेताओं से बहस हो रही है, देखिए। फूंक रहा है भाई तो पेट्रोल लेके आएगा, पुलिस लेके आएगी पेट्रोल, घूम रही पेट्रोल। आप वो मुझे, आप मुझे मत बताइए मैं क्या हूं। आप ये बताइए कि आप लोगों ने सही किया क्या? क्या सही किया? क्या पेट्रोल फेंकना सही था पुलिस वालों को? नहीं, हमने कोई पुलिस वालों पेट्रोल नहीं फेंका। चलिए अच्छा बात है, मीडिया वाले लोग यहाँ पे हर चीज, मीडिया वाले लोग आपको भी रोज ही देखते हैं। हाँ तो देखते हैं ना, आज ही देखा हुआ है, देखा हुआ है। चलिए आप बात खत्म करिए, आप दीजिए। आपके लिए आपको आप अपनी रूटीन नहीं। इस बारे में एसपी सिटी विनीत भटनागर ने फर्स्ट बाइट टीवी को यह जानकारी दी। देखिए, आज आपको पता है कि राज्य में अन्यत्र कोई घटना हो तो रात को घटना हुई थी, जिसको लेकर जो है धरना प्रदर्शन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने, तमाम संगठनों ने किया था। मोर और लेस तो ये धरना प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा, उन्होंने संवैधानिक तरीकों का प्रयोग करते हुए अपनी बात कही, ज्ञापन दे दिया। मगर कुछ ऐसे भी संगठन थे जिनके द्वारा कानून को अपने हाथ में लिया गया है और जनता की और पुलिस की और स्वयं की किसी की जान की परवाह न करते हुए कुछ ऐसे कार्य किए गए कि जिससे मतलब काफी जीवन भय उत्पन्न हो सकता था, काफी संकट बंद हो गया जीवन। तुरंत पुलिस ने उस समय कुछ लोगों को निरुद्ध किया था, उनके बारे में पूरी तस्दीक करते हुए कि ये घटना में शामिल थे और किस तरह से इन्होंने जो है पुतले को आग लगाई और उसके बाद में हमारे पुलिसकर्मी भी उसमें झेले। यहां तक कि जो सिविल लाइन्स के जो थाना प्रभारी हैं, यहां के प्रभारी निरीक्षक, उनको भी जो है आग से वो जले हैं और उनको कई जगह जलने की चोटें आई हैं। इनके अलावा और कुछ कॉन्स्टेबल्स हैं, उनके भी आई हैं। काफी ज्वलनशील पदार्थ कई लोगों के ऊपर गिरा, तो उसके क्रम में जो है एक अभियोग पंजीकृत किया गया है और इसमें कुछ लोगों को न्यायिक अपेक्षा में भेजने का जो है हमारे द्वारा प्रयास किया जा रहा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.टीवी। नमस्कार।